हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है दोबारा से माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। तो गाइस, जिनको नहीं पता एपिसोड नंबर 1 में क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूं गाइस, ठीक है ना। एपिसोड नंबर 1 में हमने डे 1 से लेकर डे 20 तक सर्वाइव किया था। हमने अपना एक बहुत ज्यादा बड़ा घर बनाया था एंड एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपी फार्म भी बनाया था गाइस। हमने अपने एनिमल्स के लिए छोटी सी एक जगह बनाई थी गाइस, ठीक है ना, जहाँ पर वो सब रह सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है ना गाइस, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले आपको बता दोगे सबसे पहले मैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वन ब्लॉक के आसपास एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाने वाले गाइस। तो गाइस आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि ये ट्रैप किसके लिए काम आता है एंड क्यों काम आता है एंड क्यों जरूरी है गाइस। वन ब्लॉक के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है गाइस ये वाला ट्रैप, ठीक है ना। एंड फिर इसके बाद हम लोग बनाएंगे गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा ट्री फार्म। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड इस वीडियो को लाइक किया मैं ओनली 50 लाइक्स, ठीक है ना, मुझे पता है पूरा करवा दोगे गाइस, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इधर मैं एक वाटर बकेट ढूंढ रहा हूँ, मैंने इधर ही किधर रखी थी। हाँ, ये लो गाइस, मिल गई वाटर बकेट। तो अभी हमें सिर्फ इस एक ही वाटर बकेट से हमें अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना गाइस। तो वो कैसे बनाने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से डर्ट रख देने गाइस। तो मैं इसको पहले डर्ट पूरा रखता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस हमें कुछ इस तरीके से सारे ब्लॉक्स को अरेंज कर देना है इधर, एंड फिर इधर बीच वाले ब्लॉक में हमें पानी डालना है गाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर नीचे हमें बोनविल मारनी है एंड इधर अपना जो है ना गाइस वो बन चुका है गाइस अनलिमिटेड वाटर सोर्स, यानी कि मुझे जैसे 2 बाल्टी मिल जाएगी एंड इधर से अभी मैं जितना चाहे पानी ले सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो अभी हम बनानी एक न्यू वाटर बकेट, बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपने चेस्ट में है। तो फटाफट से इस वाटर को भी कलेक्ट करते हैं इधर से, ठीक है। तो इस वाटर को कलेक्ट करता हूँ एंड फिर इस एरिया को भी क्लीन करता हूँ गाइस, ठीक है ना। तो एरिया को क्लीन कर दिया इधर मैंने। तो इधर मैंने बहुत सारे वुड भी इकट्ठा करके रखा था बहुत समय पहले। तो कौन सा चश्मा रखा मुझे याद नहीं आ रहा, एंड ये तो वो है, तो इधर भी नहीं है, तो लास्ट वाला चश्मा होगा। तो गाइस ये रहा गाइस अपना वुड पूरा एंड बहुत कम है गाइस, ये शायद कम पड़ेगा आज के बिल्ड के लिए। आज के बिल्ड के लिए तो शायद बस हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट बिल्ड में कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो मुझे और भी ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा। वैसे हम एक ट्री फार्म बना रहे हैं गाइस, तो हम और भी इकट्ठा हो जाएगा गाइस, तो वुड की टेंशन है नहीं गाइस अभी। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट से कुछ टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ इधर से, एंड मुझसे बोला भी नहीं जा रहा गाइस स्टिक से। तो कुछ स्टिक्स क्राफ्ट कर लेते सबसे पहले तो, एंड फिर इन स्टिक्स से मैं एक क्या बोलते हैं उसको एक्स क्राफ्ट कर लेते हैं गाइस, क्योंकि हम ज़्यादा से चीज़ें पूरी वुड की बना रहे गाइस, तो एक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस, ठीक है। तो इधर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे गाइस अपने ट्रैप को, ठीक है। तो गाइस अभी हम स्टार्ट कर देंगे इस ट्रैप को बनाना। बेसिकली हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले तो इधर हम चारों तरफ चारों कॉर्नर्स में हम कुछ पिलर्स बना देंगे गाइस, वो पिलर्स बना देंगे इधर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बना देंगे हम, ठीक है। तो चारों तरफ बनाने एंड फिर अभी हमें बीच में क्या करना है गाइस, फेंस लगाना गाइस इधर, ठीक है, ताकि मॉब्स हम तक ना आ पाए, ठीक है। मॉब्स इसी ट्रैप के अंदर कैद रहे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो क्राफ्टिंग टेबल इधर मैंने क्राफ्ट कर लिया है, तो इधर प्लेस कर लेते हैं सबसे पहले तो। एंड अभी मुझे क्या करना है गाइस, कुछ फेंस बनाने गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ लकड़ियाँ बनानी है, एंड फिर इस लकड़ियाँ से हमें कुछ फेंस बनानी है। लकड़ियाँ भाई सब क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फेंस कुछ मैंने क्राफ्ट कर लिया, तो शायद से इतनी सी बस होने वाली है एंड इधर हम लगा देते गाइस, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम इधर लगा देते गाइस सब में। इधर बीच में हम क्या करेंगे गाइस, हम वो लगाएंगे फेंस गेट, ठीक है। तो इस तरफ भी हमें सब चारों तरफ कुछ ऐसे ही करना है गाइस, ठीक है ना। तो हम ऐसे लगा देते गाइस फटाफट से, एंड अपना कुत्ता भी हमें दिख रहा है गाइस। तो इस कुत्ते का नाम रखना गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम रखूँ मैं, ठीक है। वैसे अपने पास नेम टैग पड़ा है कि नहीं पड़ा मुझे वो नहीं पता गाइस, शायद से नहीं होगा गाइस, लेकिन फिर भी आप एक नाम सजेस्ट करना गाइस, उस नाम से हम बुलाएंगे इसको, ठीक है। एंड इधर मुझे और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं फेंस गेट क्राफ्ट करना पड़ेगा। एंड हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले इधर इस तरफ में भी सबसे लास्ट में हम इधर कुछ लगा देते गाइस फेंस, एंड इसके बीच में हम लोग लगा देते गाइस ये वाला फेंस गेट, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन चुका है गाइस, एंड मैं काम करता हूँ इसको पूरा बना के फिर आपसे मिलता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस इधर हमने अपना ट्रैप बना दिया गाइस। तो फटाफट से सबसे पहले नीचे चलते हैं गाइस, एंड फिर आपको दिक्कत होगा कैसे बनाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा ट्रैप है गाइस, एंड इधर से हम आराम से माइनिंग कर सकते हैं, एंड जो भी क्रीपर वेपर आएंगे ना गाइस वो हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे गाइस, ठीक है ना। तो इधर हम क्या करते हैं गाइस, अभी फटाफट से अपना ट्री फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो हमें जितना भी एरिया है इसको क्लीन करना पड़ेगा, फटाफट से क्लीन करते हैं फिर अपना ट्री फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है ना। ये जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा छोटा एंड बहुत ज़्यादा घटिया दिखता है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं गाइस, फटाफट से एक न्यू ट्री फार्म बनाते हैं गाइस।
गाइज हमने पूरा एरिया कंप्लीट कर दिया गाइज ट्री फार्म को बनाने के लिए, तो अभी हमें जाके जैसे प्लांट्स लगाने के लिए। ओ भाई मेरा पानी किधर गया, पानी किधर गया, पानी स्लैब्स में होगा गाइज, स्लैब्स में किधर तो होगा, तो मिल गया, अरे वापस चला गया, अरे पानी ये रह गया, हाँ मिल गया। तो अभी हम क्या करते हैं इधर, हम वापस से इधर प्लांट बोलते इधर सैपलिंग्स प्लांट करना स्टार्ट करते हैं। जो बीच में आने गए इस बीच में हम लोग छोटे छोटे पेड़ जैसे कि ओक पेड़ लगाएंगे, एंड जो साइड में आने गए उधर हम बड़े बड़े पेड़ जैसे कि स्प्रूस एंड डार्क ओक लगाएंगे गए, ठीक है ना। तो इधर मैं क्या करता हूँ, दो दो ब्लॉक का ऐसे स्पेस छोड़ता हूँ एंड फिर लगाता हूँ गए, ठीक है ना। तो डर्ट में स्लैब के ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हम अगर वापस फिर से कभी तोड़े ना तो आराम से कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस जितना भी मेरे पास सैपलिंग्स हैं गाइस मैं उनको इधर प्लांट कर दूंगा फटाफट से, ठीक है। तो गाइस इधर मैंने सारे सैपलिंग्स प्लांट कर दिए गाइस, एंड मेरे पास थोड़े बहुत सैपलिंग और बचे हैं गाइस, तो उनको भी फटाफट से मैं प्लांट कर देता हूं गाइस, ठीक है ना। तो बर्च के भी थोड़े बहुत प्लांट करने पड़ेंगे ताकि बर्च के वुड बोल तो बर्च के जो ट्रीज हैं वो ग्रो हो, एंड मेरे पास बर्च के बहुत कम है लेकिन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेरे पास ओक के सैपलिंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे गाइस, इधर हम मेरे पास बहुत कम सैपलिंग्स हैं, तो जब ये पेड़ ग्रो हो जाएंगे गाइस तब मैं इनको वापस रिप्लेस कर दूंगा गाइस इधर, ठीक है ना। तो हम तो गाइस मैंने ऐसे कुछ बना दिया गाइस अभी, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, तो उस तरह भी मैंने कुछ ऐसा ही बनाया गाइस, ठीक है ना। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना है गाइस, मुझे पता है बहुत ज़्यादा छोटा एपिसोड है लेकिन गाइस मैं लास्ट टाइम बड़ा एपिसोड बनाया था लेकिन उधर व्यूज़ नहीं आए थे गाइस, इसलिए अभी मैं छोटा एपिसोड बना रहा हूँ गाइस। अगर आपको फिर से बड़ा एपिसोड चाहिए ना तो मुझे कमेंट कर देना गाइस, ठीक है ना। एंड गाइस हमने ट्री फार्म तो बना दिया, एंड अभी हमें क्रॉप फार्म बनाना है, फिर एनिमल्स का जो एरिया है उसको भी थोड़ा बड़ा करना है गाइस, ठीक है ना। तो वो सब मैं नेक्स्ट एपिसोड में कर दूंगा, ठीक है। बाकी आज की इस वाली वीडियो में तो बस इतना है गाइस, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टाटा सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।